सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई अब सोमवार को होगी, यानी सोमवार तक के लिए ये सुनवाई टल गई है। सोमवार को होगी इस मामले को लेकर सुनवाई। लगातार हालांकि अपना पक्ष यहां पर कपिल सिब्बल रख रहे थे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मैटर जिस तरह से सामने आ रहा है, अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं, ऐसे में हमें ज्यादा वक्त लग सकता है और इसे हम शुरुआती तौर से सुनना चाहेंगे, इस पूरे मामले को सुनना चाहेंगे। और इसलिए अब क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा, सोमवार को इस मामले को लेकर सुनवाई की जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई हुई थी और लगभग डेढ़ घंटे तक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रही और अब सोमवार को इस मामले को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा, बड़ी और अहम खबर इस वक्त। हालांकि यही माना जाता था कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है सुबह 10:30 बजे, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया था और कल इसे लेकर सुनवाई हाईकोर्ट में होनी थी, लेकिन उससे पहले एसएलपी दायर की गई स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की तरफ से आज उसमें सुनवाई हुई। सुबह 11 बजे ये सुनवाई शुरू हुई, जिसके बाद करीब डेढ़ घंटे तक ये सुनवाई जारी रही और इस वक्त ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा, सुनवाई सोमवार तक के लिए टाली गई सुप्रीम कोर्ट में, अब सोमवार को इस मामले को लेकर आगे सुनवाई होगी, यानी डेढ़ घंटे तक आज ये सुनवाई जारी रही और इसके बाद अब सोमवार को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। मामले को गहन सुनवाई की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। जिस तरह से कपिल सिब्बल ने जो बातें रखी हैं उसे लेकर उस दौरान भी जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये बात कही है कि इस मामले को गहनता से सुनने की जरूरत है, इस पूरे मामले को, और ऐसे में इसे वक्त देना होगा। ये बात सुनवाई के दौरान भी जब बहस की जा रही थी उस वक्त भी ये कही गई थी। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से इनकार किया है, मामले को गहन सुनवाई की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है। लेकिन अभिनव जी, एक और अहम बात है जो जस्टिस मिश्रा ने कही कि नो रिस्ट्रेन ऑन राजस्थान हाईकोर्ट प्रोसीडिंग, लेट हाईकोर्ट डिलीवर इट्स जजमेंट टुमारो, हाउएवर द हाईकोर्ट जजमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स फाइनली, मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट टू बी हर्ड नाउ ऑन July 27th, यानी कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, फैसला भी सुनाया जाएगा। हाँ, कोर्ट ने एक फ्री हैंड दे दिया है राजस्थान हाईकोर्ट को कि आप आदेश पारित कर सकते हैं और अगर पारित करेंगे आदेश तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी रहेगा। तो एक तरह से राजस्थान हाईकोर्ट के लिए फ्री हैंड है और मैं समझता हूँ कि अभी जो राजस्थान हाईकोर्ट में जिस तरीके से कल मैटर सूचीबद्ध किया गया वो फॉर ऑर्डर्स की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है अभिनव जी, हम जरा अपने संवाददाता निजाम कंटालिया का रुख कर लेते हैं। निजाम जी, प्रतीक कासलीवाल वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो भी आपके साथ हैं। 27 तारीख को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, क्या कुछ अब वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डेढ़ घंटे सुनवाई के बाद? बिल्कुल, देखिए कि एक तरह से बिल्कुल मेरे साथ प्रतीक है पूरे मामले की, आज जो सुनवाई हुई है उस पर बारे में बात करते हैं। प्रतीक, इस पूरे मामले को हम देखें तो किस तरीके से अब जैसे कि सुनवाई जो फिलहाल टाल दी है और इसका क्या वजह रही और क्या आदेश? देखिए, सुनवाई पूरे 11:05 से बराबर चली है और तीनों जजेस ने बड़े शांतिपूर्वक उस मैटर को सुना और जस्टिस मिश्रा का क्लियर था कि इस मैटर को आगे सुनवाई की ज़रूरत है। एक बहुत अहम मसला है डेमोक्रेटिक सेटअप में, जहां डेमोक्रेसी की इंडिपेंडेंस का प्रश्न है, सो हमें इसको डिटेल में सुनना होगा। फिर प्रश्न ये आया कि कल हाईकोर्ट के समक्ष क्योंकि मैटर ऑर्डर्स की कैटेगरी में लगा है तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम इसको सोमवार को सुनेंगे और कोई भी हाईकोर्ट का फैसला होगा वो उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन रहेगा इस याचिका के। जैसे आज जब सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात की बात हो रही थी, ज्यूरिडिक्शन को लेकर बात हो रही थी, तो कोर्ट ने कहा कि पार्टी और जो सदन के अंदर की कार्रवाई को लेकर बहुत सारे सवाल किया, क्यों इस चीज? उनका मोटे रूप से यही था कि सदन की जो कार्रवाई है उसको यहाँ कोर्टों के अंदर प्रश्न नहीं किया जा सकता, मोर सो जब तक कि हाईकोर्ट के द्वारा फाइनल स्पीकर के द्वारा फाइनल ऑर्डर नहीं किया गया हो। और जस्टिस मिश्रा का भी यही मानना था मोटे रूप से कि इस तरह का हस्तक्षेप फिर एक डेमोक्रेटिक सेटअप और इंडिपेंडेंस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। जी, इस मामले में अगर बात करें तो जो मुख्य रूप से बात उठाई गई थी कि जो 3 दिन की दलीलों की बात की गई कि किस तरीके जो न्यायिक आदेश के राजनीतिक परिणाम होते हैं और इसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। हाँ, उनका यही था कि इस तरह से अगर आप ऑर्डर्स के अंदर इंटरफेरेंस देंगे इनके बहुत पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं कि आज कोर्ट क्या ऑर्डर करती है क्या नहीं करती, उससे राजस्थान की जो राजनीति है उस पर सीधे सीधे असर पड़ता है, तो इसको त्वरित रूप से सुनना चाहिए। एक बार फिर से सवाल किया गया था कि पार्टी मीटिंग
जो नोटिस है वो दिया गया, क्या पार्टी मीटिंग के लिए दिया गया या सदन की कार्रवाई के अंदर क्या कुछ? वो प्रश्न पूछा गया था तो उसको क्लेरिफाई कर दिया कि पार्टी की सदन में जो मीटिंग है उसके लिए नहीं दिया गया है, ये वॉलेंटरली जो पार्टी का आप सदस्यता छोड़ना जा रहे हो उसके अंदर दिया गया है, क्योंकि आपका कृत्य ऐसा है वो दर्शा रहा है कि आप पार्टी में नहीं बने रहना चाहते हो। पार्टी लोकतंत्र की बात सवाल किया गया था कि क्या पार्टी में किसी तरह से कोई जो है सवाल भी नहीं कर सकता था, क्या जवाब आपकी तरफ से रखा गया? नहीं, पार्टी में सवाल की बात नहीं है, स्वतंत्र हैं सब MLA पार्टी में सवाल रखने के लिए, लेकिन अगर आपको बुलाया तो उसमें आकर के आप उपस्थित तो हो, अपना पक्ष तो रखें। आप तो खुद PCC चीफ हैं, आप चाहें जो अपना पक्ष रखें, आपके साथ पूरा पार्टी है, पर अगर आप खुद ही उपस्थित नहीं होते और खुद ही फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं तो ये संभवतः यही दर्शाता है कि आप पार्टी में बने नहीं रहना चाहते। आज का जो आदेश है, कोर्ट ने कहा है कि वो जो हाईकोर्ट का आदेश रहेगा वो इस आउटकम इसके अधीन रहेगा, तो क्या कुछ इस पूरे कोर्ट का मानना था कि एक बहुत अहम मसला है जिसका प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया गया है और द्वार खटखटा गए, तो इसलिए अगर कोई भी आदेश हाईकोर्ट द्वारा किया जाता है तो वो विचाराधीन रहेगा, क्योंकि अब उच्चतम न्यायालय सीज विद दिस मैटर, वो तय करेंगे कि ये जो कार्रवाई की गई है ये सही है या गलत है। जो होलोन केस का इसमें जिक्र किया गया था, फिर वो बार बार जो सबके सामने आया होलोन केस हो रहा, क्या कुछ कहा गया? कि हो तो होलोन एक सेटल्ड केस है, 1992 में संवैधानिक पीठ ने ये तय कर दिया है कि स्पीकर के क्या दायरे होंगे और क्या जो 1985 का अमेंडमेंट है जिसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाई गई है वो सही है या नहीं, तो उसके अंदर शेड्यूल 10(2)(1)(a) की जो वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप है वो विद इन द वायरीज है, वो एक संविधान का जो अधिकार दे रखा है स्पीकर को वो पूर्णतः सही है, तो उस पे बार बार प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। पार्टी बैठक के लिए या फिर सदन की बैठक के लिए नोटिस जारी किया गया, पहला सवाल तो जो कोर्ट ने किया था उसके साथ ये कहा था क्या पार्टी बैठक के लिए चीफ व्हिप नोट जो है व्हिप जारी कर सकता? देखिए व्हिप का मसला नहीं है, ये व्हिप का मसला नहीं है, ये मसला है डायरेक्शन दे करके, और पार्टी बाहर भी डायरेक्शन दे सकती है अपने MLAs को कि आप आइए उपस्थित हो और मीटिंग में नहीं आते। जी बिल्कुल शुक्रिया। तो ये है मेरे साथ प्रतीक कासलीवाल, जो आज जो पूरी कोर्ट की कार्रवाई में वो मौजूद रहे थे, महेश जोशी की ओर से जो है व्यक्तिगत एडवोकेट हैं उनके और उनकी तरफ से मौजूद रहे थे और काफ़ी कुछ आज कह सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के मामले पर। अब सुप्रीम कोर्ट का साफ रह गया है कि जो कल का जो आउटकम्स आएगा, जो हाईकोर्ट का आदेश रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका के अधीन रहेगा। एक बार की जो कपिल सिब्बल है उन्होंने कहा भी था कि आप खुद ट्रांसफर पिटिशन इसको दायर कर दीजिए ताकि हाईकोर्ट का जो मामला है वो यहाँ आ जाए।